तो भाई आज का हमारा वीडियो भाई अंडर 13,000 रुपीज़ स्मार्टफोन है भाई। ये स्मार्टफोन होगा दोस्तों नोकिया की तरफ से। अब भाई देखो कई लोगों की भाई देखो नोकिया पसंद रही है भाई, मेरी भी दोस्तों बहुत जब से दोस्तों भाई मैं छोटा था भाई जब से मेरी नोकिया ब्रांड दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि नोकिया। एप्पल भी दोस्तों मेरे को पसंद नहीं था, एप्पल कोई भी चीज़ नहीं है वैसे देखी जाए तो नोकिया का। नोकिया एक मेरा सभी लोगों को दोस्तों फेवरेट ब्रांड अब तक बना रहा है और बना रहेगा, बस थोड़े स्मार्टफोन कम हुए हैं पर ठीक है। दोस्तों भाई आज का वीडियो दोस्तों नोकिया की 5.3 के ऊपर। अब दोस्तों भाई ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको मिलेगा भाई एक ग्लास बॉडी के साथ, और दोस्तों आपको दोस्तों क्वाड कैमरा मिलेंगे, 4 कैमरा बैक साइड में, एक ऊपर 13 का मेन सेंसर, 5 का अल्ट्रा वाइड, 2 का डेप्थ सेंसिंग, 2 का माइक्रो। तो भाई गोरिल्ला ग्लास दोस्तों 3 की प्रोटेक्शन है और भाई ये स्मार्टफोन दोस्तों आपके लिए भाई ठीक होने वाला है। अब दोस्तों कई लोग बोले भाई 13,000 में दोस्तों हमको 65 वाट भाई चार्जिंग मिल रही है, हाँ भी ले सकते हैं पर दोस्तों देखो हर चीज़ दोस्तों चार्जिंग नहीं होती। अब दोस्तों देखो आपको हर चीज़ के साथ एक ब्रांड का नाम भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप आईफोन के लिए दोस्तों इतने रुपये पे करते हैं वहाँ पे दोस्तों आपको कौन सी परफॉर्मेंस मिलती है। हाँ आप अगर बड़े लेवल पे जाएंगे दोस्तों वो ठीक है, दोस्तों अगर आप 4 साल पुराना फ़ोन यूज़ करेंगे तो भाई वहाँ पे भी परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। तो देखो भाई 4 कैमरा भाई, 30 MP मेन सेंसर और 5 MP अल्ट्रा वाइड और 2 MP डेप्थ, 2 MP माइक्रो, तो भाई ये 4 कैमरा मिलते हैं। और बैक साइड दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा और भाई और फ्रंट में दोस्तों आपको 8 MP दोस्तों कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप ठीक अच्छी मतलब कर सकते हो। सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है जो कि ये स्टॉक एंड्रॉइड पे चलता है, एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम के ऊपर। और दोस्तों आपको इसमें अंदर दोस्तों एक बड़ा डिस्प्ले देखने मिल जाएगा जो होगा 6.53 इंच का, तो और एक दोस्तों HD का पैनल होगा, HD+ का, ठीक है। तो भाई आपको गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो ठीक है स्मार्टफोन इतना बुरा नहीं है। और दोस्तों आपको भाई इसमें एक बैटरी मिलेगी 4000 mAh की, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं है, नॉर्मल चार्जर है 10.5V 2 एम्पीयर का, तो भाई आप वहाँ से भी इसको अच्छी तरह से चार्ज कर सकते, कोई बुराई नहीं है। और देखो भाई स्नैपड्रैगन दोस्तों 665 है भाई, तो भाई ये प्रोसेसर दोस्तों आपको ठीक ठाक गेमिंग कर देगा, ज़्यादा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत लैग होगा भाई देखो, ठीक है ना। 11 नैनोमीटर आर्किटेक्चर है तो भाई एफिशिएंट तो है और सब कुछ दोस्तों Adreno GPU दोस्तों इसके अच्छे हैं और जो कि सपोर्ट करते हैं भाई सब चीज़ मतलब अच्छी है, ठीक है आप इसमें चला सकते हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। और ठीक है देखो नोकिया का नाम मिल रहा है तो वही काफ़ी, जैसे कि भाई आप बड़े बड़े ब्रांड का नाम देखो, नोकिया सैमसंग भी दोस्तों नहीं ले सकता टक्कर, नोकिया ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। वो भाई देखो प्रोसेसर दोस्तों इसमें कोई मीडियाटेक का चिप के नहीं दिया नोकिया ने भाई, स्नैपड्रैगन का दे दिया गया है, तो 665 गेमिंग के लिए ठीक है, ज़्यादा कुछ हाई नहीं है। और देखो भाई एंड्रॉइड 11 दोस्तों इसमें आ चुका है नोकिया दोस्तों 5.3 में, और भाई आप वहाँ पे आपको 2 साल तक अपडेट मिलेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड्रॉइड अपडेट, और भाई 3 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और भाई लुक फील वाइज दोस्तों फ़ोन बहुत अच्छा दिख रहा है, ग्लास है फ्रंट और बैक में। और दोस्तों आपको एक गूगल असिस्टेंट दोस्तों की मिलेगी साइड में देखने के लिए, जिससे आप शेयर दोस्तों गूगल असिस्टेंट को कमांड दे सकते हैं, मतलब आप इसके ऊपर प्रेस करेंगे दोस्तों गूगल असिस्टेंट आपका अलर्ट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा दोस्तों आपकी कमांड लेने के लिए। तो आप बिल्कुल यार देखो मैं है ना नोकिया के लिए क्या सोचता हूँ, नोकिया का थोड़ा थोड़ा बैक कर रहा है इंडिया में, ठीक है देखो सब चीज़ स्पेक्स नहीं होती। अब देखो एंड्रॉइड 1 प्रोग्राम देना दोस्तों एक बहुत बड़ी बात होती है, आपका कोई भी प्राइवेसी मतलब वो नहीं होगी, कोई कहीं भी बाहर कंट्री में जा रही हो या कुछ भी हो रहा हो। तो भाई ये देखो कैमरा सैंपल है, एक देखो नाइट का मोड और विदाउट नाइट मोड, ठीक है। तो भाई ये आप देखिए कैमरा ठीक है यार, थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है अपडेट साथ दोस्तों नोकिया शायद मेरे हिसाब से चेंज करें फ्यूचर में, तो एक्सपेक्ट तो हम यही करेंगे थोड़ी। दोस्तों पता हूँ क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर मतलब येलो स्पीक आ रही है इसके अंदर, वो थोड़ी डिटेल भी कम है यार इसके अंदर। देखो आज 64 MP चल रहे हैं पर देखो 12 में भी बात बन सकती है, दोस्तों आईफोन तब भी 12 ही दे रहा है, तो इसकी क्वालिटी है उसको 64 या 108 को भी क्रॉस करी तो भाई इसकी भी क्रॉस कर सकती है। ये फोटो देखो कुछ कुछ सिनेरियो में ऐसा होता है किसी में अच्छी फोटो क्लिक हो जाती है किसी में नहीं हो पाती। अब देखो ये उस मेल पे भी डिपेंड करता है, मेल फीमेल पे जो कैप्चर कर रहा है, तो देखिए आप ठीक है डायनेमिक रेंज ठीक ठाक कैप्चर हो रही है। और देखो एंड्रॉइड 11 पे रन कर रहा है, एंड्रॉइड 12 भी मिलेगा, एंड्रॉइड 13 भी मिलेगा। और यही था यार बस वीडियो में नोकिया का 5.3 अंडर 13,000 भी, जो कि नोकिया के फ़ैन है उनके लिए है। तो बस वीडियो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं दोस्तों, बाय, टेक।